देखिए लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था एक नया टॉपिक टॉपिक का नाम था ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर्स को हमने कनेक्ट करने के लिए कुछ एक आसान सा टॉपिक मैंने बता दिया था और टफ वाले टॉपिक को लीव कर दिया था ठीक है उसका रीजन था क्योंकि अगर वो निपटा तो बहुत सारी चीजें जो है फील नहीं आएगी बस याद रख रहे हैं फिर वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको याद रहता ये फैन चलवा देना पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको याद रहता बाकी जो है नया क्वेश्चन आते ही आप निपट जाते ऑप्टिकल आइसोमर हूं जब PPA, जब किसी लाइट का एक में होता है तो का नाम क्या है अगर को आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर फोकस कराएं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर जिसको इस ट्यूब में रख दिया गया जैसे मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर रख दिया इसके ऊपर पीपीएल लाइट का फोकस कराया तो अब ये कंपाउंड जो है इस लाइट को घुमाने की कोशिश करेगा या तो ये इसे क्लॉक घुमा सकता है या फिर एंटी क्लॉक घुमा सकता है और साहब जब ये घुमाने की कोशिश करेगा और अगर दोनों तरफ से इसे नेट रोटेशन कुछ नहीं मिले इधर भी जाए फिर इधर भी जाए और ये बीच में रह जाए तो जैसा है अगर वैसा का वैसा आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव बट अगर ये लाइट या तो क्लॉक घूम जाए या फिर लाइट एंटी क्लॉक घूम जाए किसी भी एक डायरेक्शन में घूम जाए तो आप इसे, क्या बोलेंगे? इसे भी क्या बोलेंगे? तो अगर का आपको मिलता है तो कंपाउंड कैसा होता है ऑप्टिकली एक्टिव और अगर नेट रोटेशन नहीं मिलता तो कंपाउंड कैसा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अब साफ डाउट आता है थ्योरिटिकल अगर हम कैसे पता लगाएं तो साहब जितने भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है सिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मगर सिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते हुए कि कौन सा कंपाउंड सिमेट्रिकल है और कौन सा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सिमेट्री एलिमेंट तो हेडिंग लिखेंगे सिमेट्री एलिमेंट सेंटर के कुछ क्वेश्चन हमने करे थे दस बारह क्वेश्चन करे होंगे शायद तो उससे पहले मैंने दो पेजेस छुड़वाए थे आपको उन दो पेजेस में हेडिंग था हमारा सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट बच्चों चार तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं एक बार चारों के नाम लिख लो आप लोग फर्स्ट लिखे प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट लिखे प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकंड लिखे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट लिखे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद थर्ड लिखेंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट लिखे हैं फर्स्ट था प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकंड था सेंटर ऑफ सिमेट्री थर्ड था एक्सेस ऑफ सिमेट्री फोर्थ होता है अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री फोर्थ होता है अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री सेकेंड सेंटर ऑफ सिमेट्री थर्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो आपका प्रोनाउंसिएशन हो लास्ट के दो जो है आउट ऑफ सिलेबस है लास्ट के टू आउट ऑफ सिलेबस है ब्रैकेट में लिख लो इसके आगे आउट ऑफ सिलेबस फर्स्ट हेडिंग लिखे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके बारे में लिखेंगे अब एन इमेजनरी प्लेन एन इमेजनरी प्लेन विच इज bisect the molecule an imaginary plane which is bisect the molecule into the two equal half an imaginary plane which is bisect the molecule into the two equal half known as a plane plane of symmetry, an imaginary plane which is the the molecule into the two equal half known as a plane of symmetry, लिखा कुछ नहीं होता डेफिनेशन से सारा मामला थ्री डी का है और आप जानते हमारा टू डी खराब पड़ा है डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया टू डी सही नहीं हो सकता है ठीक है समझेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद कहानी को डायरेक्ट कर देंगे बिना प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ठीक है तो देखो बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल को आप इस तरह से जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि वो दो बराबर, बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए मतलब कुछ नहीं करना आप अपने आप को बाहुबली समझे और आपके पास एक बाहुबली की तलवार है और उस तलवार से जो है इस दुश्मन पर या किसी भी कंपाउंड पर आपको इस तरह से आक्रमण करना है कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए अब जाप तलवार ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ कैसे भी चलाओ मगर दो बराबर पार्ट में डिवाइड होना चाहिए अगर कोई मॉलिक्यूल दो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो रहा है तो दो बार तलवार चला दो मतलब तलवार अगर एक बार चले तो हम बोलेंगे खचाक क्या बोलेंगे खचाक और अगर तलवार दो बार चले तो बोलेंगे खचा खच क्या बोलेंगे खचा खच और अगर साफ तलवार बहुत सारी बार चल रही है क्लियर और नॉट क्लियर बहुत ध्यान से सुनना ऐसा न हो कि तलवार में निशाना चूक जाए हमारी मुंडी उड़ जाए ठीक है तो भाई साहब बहुबली की तलवार चलाकर आपको इस मॉलिक्यूल को दो तो बराबर पार्ट में डिवाइड करना है ये बताओ क्या तलवार ऐसे चला सकते हैं क्या भाई तलवार अगर ऐसे चलाई आधा इधर जाएगा इधर इधर जाएगा इधर भूसा भरा है क्या इधर भूसा भरा है क्या ठीक है अगर तलवार हम ऐसे चलाएं तो अगर हम तलवार ऐसे चलाएं तो तो बाहुबली की तलवार यहां कितने टाइप से चलेगी तो ये आपका दुश्मन है क्या इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है क्या बाहुबली की तलवार से अटैक करेंगे तलवार एक बार या दो बार खचा क्या खचा खच तो क्या आक्रमण करने के लिए तैयार है ध्यान रखिएगा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा तलवार एकदम यहां पर लगनी चाहिए आर यू रेडी और नॉट रेडी तलवार कैसे चलेगी तलवार चलने दो बेटा ठीक है युद्ध में जब तलवार निशाना चूक जाए खचाक इधर से आए खच आप सोचोगे यार ये मुंडी किसकी जा रही है भाई मेरी जा रही है ठीक है चलिएगा क्या बाहुबली की तलवार से अटैक करने के लिए तैयार है क्या ये आपका दुश्मन है या नहीं है तलवार कैसे चलेगी खचाक खच क्या दो पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसमें पोज प्रेजेंट है पोज मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कैसा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कहानी कनेक्ट होगी ध्यान रखना सिमेट्रिकल कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव मान लीजिए यहां पर जो है ये मार्कर आ गया और इसके ऊपर बाहुबली की तलवार चलानी है क्या तलवार ऐसे चलेगी क्या अगर आपने तलवार ऐसे चलाई तो ऊपर तो कमाल का ढक्कन है क्या यहां पर ढक्कन है या नहीं है ये बताओ तलवार ऐसे चलेगी नहीं चलेगी बेटा यहाँ पर ये यह पूछ है मगर यहाँ पर जो है ये पूछ नहीं है तो ये बताओ क्या यहां पर तलवार ऐसे चलेगी या नहीं चलेगी तो ऐसे चलेगी क्या ऐसे ऐसे तो तलवार एक बार या दो बार तो क्या ये आपका दुश्मन है या नहीं है तलवार कैसे चलेगा खचाक आधा अगल में आधा बगल में और आधी चोटी अगल में आधी बगल में बताइए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा तो बताइए पोज है या नहीं है है साहब यहाँ पर ये बोतल है इसके ऊपर हमें बाहुबली की तलवार से आक्रमण करना है क्या तलवार ऐसे चलेगी क्या तलवार ऐसे चलेगी क्या तलवार ऐसे भी चलेगी ऐसे भी चलेगी ऐसे ऐसे चल सकती है क्या तो खचा गया खचा खच, खच खच तो क्या आपके दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं क्या कैसे चलेगी खचा खच पोज मारा या नहीं मारा पोज मारा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है कौन है इसका मालिक ठीक है तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव ये क्या है कोई बॉम्ब वगैरह है क्या है ठीक है चलिए यहां पर से तलवार जो है ऐसे ऐसे क्योंकि इधर चुटिया है मगर इधर चुटिया नहीं है ठीक है अब बताइए तलवार ऐसे चलेगी ऐसे ऐसे तो तलवार एक बार दो बार तीन बार चार बार कितनी बार कैसे चलेगी आधा अगल आधा बगल पोज मारा या नहीं मारा पोज मारा तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ये कौन है शौकीन आदमी ठीक है ठीक है? है ओके पानी है ठीक है तलवार ऐसे 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 कैसे चलेगी खचा खच पोज मारा या नहीं मारा बोझ मारा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या अनसिमेट्रिकल तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल. अगेन कौन है ये ठीक okay. है ओके क्या इसमें पानी है ठीक है कौन है ठेके वाला ठीक है ओके okay, यहां पर देखते हैं तलवार जो है साहब ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी कैसे चलेगी खचा, खाच, खाच, खाच. है या नहीं है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एबसेंट प्रेजेंट सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कैसा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अब भाई साहब बहुबली की तलवार अपन चला रहे हैं क्या तलवार ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी कैसे चलेगी खचाक आधा अगल में आधा बगल में मगर पोज नहीं आया नहीं आया दिल के सामने दिल नहीं आया लीवर के सामने लीवर नहीं आया प्लेन सिमेट्री है या नहीं है एक पीएचडी लेवल का एग्जाम होता है उस पीएचडी लेवल के एग्जाम में पूछ, पूछा गया था क्या ह्यूमन बीइंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या नहीं होता है तो बताइए नहीं होता है ठीक है तो चलिए अब हम यहां पर जो है अब आपको समझ में आ गया हम क्या करने जा रहे हैं ठीक है थेके? बहुत अच्छे से समझेंगे कहानी को डायरेक्ट करेंगे पहले बताइए इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए एस है या एस है एसपी पर जो है कितने भी होते हैं तो एक ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है साहब यहां पर जो है ये फोटो बनाया अब बताओ इस sp3 थ्री कार्बन पर कितने v हैं क्या इस sp3 थ्री पर जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है तीन ग्रुप सेम है यहां देखिएगा ये sp3 थ्री कार्बन है अब बताइए क्या इस sp3 थ्री पर चारों ग्रुप सेम है कितने सेम है यहां पर साहब मैंने फोटो बनाया इस तरह का अब आपसे पूछा गया क्या इस sp3 कार्बन पर चारों सेम है या चारों अलग है ओके sp3 कार्बन पर V होते हैं कितने दो चलिए क्या ये sp3 करीना है इस sp3 करीना से जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम या अलग अब बताइए कितने V दिख रहे हैं क्या एक V ऐसे दिख रहा है क्या दूसरा ऐसे दिख रहा है या आपको वैस दिख रहा है या डैश और ये जो आपके करीब आ रहा है उसे बोलते हैं जो आपसे दूर जा रहा है उसे बोलते हैं डैश तो बताइए या डैश? और ये अब की तलवार इस तरह से चलाएं कि ये दो तो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए बहुत ध्यान से देखिएगा अगर मैंने तलवार ऐसे चलाई इस तरह से खचा तो ये बताओ क्या इन जब तलवार इसके सिर पे पड़ी तो क्या आधी मुंडी अगल में आधी मुंडी बगल में कट जाएगी क्या अब इस तरह से तलवार चलते हुए नीचे आएगी बताओ रेड के सामने रेड आएगा नहीं आएगा आएगा तो पोज आएगा नहीं आएगा तो बताइए कार्बन पर जब चारों ग्रुप सेम होंगे तो पोज आएगा नहीं आएगा बच्चों अगर आपने तलवार को ऐसे चलाया खचाक तो बताओ रेड के सामने क्या आ रहा है रेड अब बताइए क्या आधी मुंडी बाहर और आधी मुंडी अंदर कट जाएगी क्या बताइए पोज आ रहा है या नहीं आ रहा है तो पोज ऐसे भी आ रहा है पोज ऐसे भी आ रहा है अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे एस थ्री कार्बन पर चारों ग्रुप सेम पोज आएगा नहीं आएगा अब आप अगर ऐसे रट के जाएंगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बताओ पोज आएगा नहीं आएगा क्या करीना का है, है? चारों सेम है या नहीं है ये के चले गए तो ये वाला आएगा बताइए पोज आएगा नहीं आएगा क्या करीना के पास जो एस थ्री कार्बन है चारों सेम है या नहीं है तो पोज आएगा नहीं आएगा अब साहब यहां पर चारों सेम है या तीन सेम है मतलब एक ग्रुप जो है आ चुका है तो साहब यहां पर इस sp3 कार्बन पर तीन तो ग्रुप सेम है और एक कैसा है अलग है तो चलिएगा यहां पर बाहुबली की तलवार यदि हम चलाए क्या तलवार आई से चलेगी क्योंकि तलवार अगर ऐसे चलाया तो रेड के सामने क्या आएगा येल्लो और अगर तलवार आपने ऐसे चलाया खचा तो आधी येल्लो अगल में आधी येल्लो बगल में आधा रेड अगल में आधा रेड बगल में और फिर तलवार ऐसे निकलेगी तो रेड के सामने क्या आएगा रेड बताइए पोज़ आ रहा है या नहीं आ रहा आ रहा है या नहीं आ रहा ये वेज है या डैश और ये अगर बच्चों आपने वेज की मुंडी पे तलवार चलाई खचाक क्या डैश की मुंडी अपने आप दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी होगी तो बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो P.O.S. P.O.S. है मतलब सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जैसे भाई साहब आप भी खड़े हो जाइए आप भी खड़े हो जाइए अब यहां पर इन दोनों को देखिए ये मुंडी मुझे वैज दिख रही है डैश और वो वाली मान लीजिए मैंने बाहुबली की तलवार ऐसे चलाई बताइए क्या वेज की मुंडी आधी अगल आधी बगल जाएगी क्या जब ये तलवार ऐसे जाएगी तो क्या डैश की मुंडी भी आधी अगल में आधी बगल में जाएगी क्या पॉइंट टू बी नोटेड जिस डायरेक्शन में आप तलवार चलाएंगे उस डायरेक्शन में जितनी भी मुंडिया आएगी वो अगल में और बगल में क्या दो तो बराबर पार्ट में डिवाइड होगी या नहीं होगी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट सोलोगे इससे थैंक यू सो मच so तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आपने तलवार ऐसे चलाई खचाक तो भाई तलवार जब यहां पर चली तो आप इस तरह से मान के चलिए आधा येल्लो अगल में आधा बगल में आधा रेड अगल में आधा बगल में बताइए पोज आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कहानी क्लियर है एस पी थ्री कार्बन पर तीन ग्रुप सेम पोज आएगा नहीं आएगा चारों सेम तीन सेम बताइए यहां एसपी थ्री कार्बन पर कितने ग्रुप सेम है चलिए दो ग्रुप सेम होने के बारे में बात करते हैं बताइए क्या तलवार अच्छा, ऐसे चलेगी अच्छा तलवार ऐसे चलेगी भाई तलवार ऐसे चलेगी खचाक तो आधा पर्पल अगल में आधा बगल में आधा येल्लो बगल में आधा अगल और बगल तो तलवार जब ऐसे चली खचाक तो यहां से ये, ये बाहर निकल के आया रेड के सामने क्या है रेड बताइए पोज आ रहा है या नहीं आ रहा पोज बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए एस पी थ्री कार्बन पर दो ग्रुप सेम पोज तीन सेम चारों सेम समझ में आया या नहीं आया ओके okay, बताओ पोज आ रहा है या नहीं आ रहा तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है जो sp3 कार्बन होता है जो दो ग्रुप अलग होते हैं कितने ग्रुप अलग होते हैं दो तो, उसको तो तलवार के डायरेक्शन में ले लो ताकि वो आधे आधे कट जाए और बाकी सेम ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाए बताइए पोज आया या नहीं आया अब ये कार्बन मैंने देखा एक ऐसा sp3 कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप सेम है या अलग है इस सेंटर का नाम क्या होता है कायरल सेंटर पड़ा था क्या चलिए यहां पर वापस से देखते हैं बाहुबली का तलवार ऐसे चला दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या अब ऐसे तलवार चला आधा आधा तो डिवाइड हो गया मगर रेड के सामने रेड आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बताइए इसमें पोज आया या नहीं आया तो एस थ्री कार्बन पर चारों ग्रुप अलग पोज एस पी थ्री कार्बन पर दो सेम तीन सेम और चारो अलग इसकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है बताइए चारों सेम तीन सेम दो सेम और चारों सेम उसकी बात कर रहा हूं ठीक है नशे वाला चलेगा ही नहीं मेरी क्लास में ठीक है अब बताइए इस कंपाउंड में पापियों पोज आएगा नहीं आएगा क्या ये करीना एसपी थ्री है अब बताइए पोज आएगा नहीं आएगा अब बताइए पोज अब बताइए पोज आएगा नहीं आएगा क्या एसपी थ्री कार्बन है क्या दो ग्रुप सेम आ रहा है नहीं आ रहा है पोज आएगा नहीं आएगा साहब यहां पर मैंने फोटो लिखा बताओ पोज आप बताइए पोज आएगा या नहीं आएगा आप बताइए पोज, बता पोज आएगा नहीं आएगा आप बताइए पोज आएगा नहीं आएगा आप बताओ पोज आप बताइए पोज आएगा या नहीं आएगा आए, ऐसे, ऐसे कर रहे हैं बहुत सारे आएगा नहीं आएगा एसपी थ्री कार्बन समझ में आएगा नहीं आएगा आएगा नहीं आ गया घर तोड़ी आएगा यही आ गया एसपी थ्री कार्बन समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन सोल्व नहीं करना डायरेक्ट सोल्व करने कोई पोज वोज नहीं देखना एसपी थ्री कार्बन पर चारों ग्रुप सेम पोज दो सेम तीन सेम और चारो अलग और चारों सेम आई शो करने के लिए रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी दी रिंग में डबल कब तक जी आई शो नहीं करेगा सेवन अब सेवन करेगा नहीं करेगा रिंग में दो एस थ्री पर डिफरेंट आ जाए जी आई होगा नहीं होगा हम पढ़ रहे हैं पोज। क्या पढ़ रहे हैं पोज। पोज बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चलिए क्वेश्चन नंबर वन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने पोज मार दे पोज आ जाएगा आपकी आंखों के सामने और कोई कुछ नहीं कर पाएगा कोई इज्जत नहीं है ओके यहां पर साहब ये वाला फोटो अब आपसे पूछा बताइए पापियों पोज आएगा या नहीं आएगा अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए पोज आएगा मेरे करण अर्जुन आएंगे या नहीं आएंगे बताए पोज आएगा नहीं आएगा अब बताइए साहब पोज अब तो हंड्रेड परसेंट आएगा बेटा ठीक है बताइए पोज है? आप बताइए पोज आए या नहीं आए पोज नहीं आए कहानी को डायरेक्ट याद रखेंगे सॉल्व नहीं करना एसपी थ्री कार्बन पर चारों सेम पोज तीन सेम दो सेम और चारों सेम और चारों अलग उस सेंटर का नाम कायरल सेंटर कहानी कलियर या नॉट कलियर एनी डाउट एनी शक ओके क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या आप लोगों ने न्यूमान प्रोजेक्शन का नाम सुना है मामला थ्री का है मगर हमने इसको याद रखा है कोते का बच्चा किसका याद रखा है कोते का बच्चा बताइए क्या आपको फ्रंट कार्बन दिख रहा है ये कुते का बच्चा है क्या ये फ्रंट कार्बन है ये मुंडी है ये पैर है ये पैर है अब पैर वेर तो गए भाड़ में हम इसको याद रखेंगे ये सी एस थ्री है ये क्या है ओ OH. एच एच ये क्या है बताइए सी एस थ्री के सामने सी एस थ्री एच के सामने ओ OH एच के सामने पोज़ मारना आता है क्या आगे वाले कार्बन पीछे वाले कार्बन के बीच में अगर तलवार चल जाए तो बताइए जैसे ही तलवार ऐसे चलेगा खचाक सी एस थ्री के सामने सी एस थ्री एच के सामने एच ओ एच के सामने ओ OH. एच भाई सब पूरा मामला थ्री डी का है आप याद रखना कुते का बच्चा कौन सा बच्चा कुत्ते का बच्चा ये बताइए न्यूमान है या फिशर है हैं तो न्यूमान में आपको तलवार कहां चलानी है आगे वाले कार्बन एंड पीछे वाले कार्बन के बीच में कुत्ते के बच्चे से याद रखना है तो मुंडी और टेल के बीच में मतलब पीठ पर तलवार चलेगी खचाक और इस तरह से आधा बाहर आधा अंदर कहानी क्लियर है सब यहां पर यही फोटो अगर आपको इस तरह से सोहर्स के फॉर्म में दिया होता तो सोहर्स ये वाला साइड पोज यहाँ पर दे रहा है साइड पोज में सी एस थ्री के सामने सी एस थ्री है ओ OH एच के सामने ओ OH एच है और एच के सामने क्या है एच बताइए पोज आएगा नहीं आएगा सोच लो पोज ओके बच्चों यहां पर अगर आप देखें इसका अगर इसी कंपाउंड का मैं यहां से बना दूं सोहर्स नहीं फिशर नाम सुना है फिशर सोहर्स साहब यहां पर अगर मैं इसका फिशर बना दूं तो फिशर कुछ इस तरह से बन जाएगा ओ एच एच सी एस थ्री ओ एच एच सी एस थ्री अब आपका इमेजिनेशन अगर ऐसा थ्री डी वाला है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि एग्जाम में तो आई से लिखा होगा आपको ऐसा लगेगा कि करीना बोर्ड पे लेटी हुई है मगर ऐसा नहीं है ठीक है अलग क्वेश्चन है कूते का बच्चा ओके okay. इसका इमेजिनेशन ऐसे 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 तो जैसे कुत्ते के बच्चों को ऐसे करा ये पैर ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे और ये वाले पैर भी ऐसे अब यहाँ देखो ये जो पैर है ये आपको क्या दिख रहा है एच ये वाला क्या दिख रहा है ओ एच ये वाला क्या दिख रहा है एच ये वाला क्या दिख रहा है ओ एच ये पीछे की तरफ क्या है सीएस थ्री और फिर पीछे क्या है सीएस थ्री बाहुबली की तलवार चलाना आता है क्या यहां पर सोहर्स में जो तलवार चलेगी वो पेट पे चलेगी कहां चलेगी पेट पे जैसे ही कुत्ते के बच्चे के पेट पे तलवार चली खचा तो भाई साहब ओएच OH के नीचे क्या आया ओएच एच के नीचे क्या आया एच तलवार ऐसे गई बताओ सी एस थ्री के नीचे क्या है सी एस थ्री समझ में तीनों एक ही कंपाउंड है ये बताओ पोज आया या नहीं आया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एबसेंट प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल का हिस्सा होता है ऑप्टिकली कहानी क्लियर बच्चों यहां पर अब हम साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड बात करते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है कितना रिंग है ब्यूटेन या साइक्लोब्यूटेन बच्चो साइक्लिक कंपाउंड में जब आप तलवार चलाएं इस तरह से खच, तो जिस भी लाइन में तलवार चला रहे हैं देखना ही नहीं है उस लाइन को आप तो लाइन के अगल और बगल देखना क्योंकि इस लाइन पर जितने भी ग्रुप आ रहे होंगे वो सब आधे आधे खट गए होंगे ठीक है क्यों क्योंकि जब यहां पर तलवार चलेगी तो आधी करीना अगल में आधी बगल में ठीक है आधी अगल में आधी बगल में आप तो इसके सामने देखो क्या कार्बन के सामने कार्बन आ रहा है बोझ है या नहीं है है। बच्चों यहां पर जरूरी नहीं है तलवार ऐसे चलाए आप ऐसे भी चला दो इस तलवार को देखो ही मत आप तो आप तो इसके अगल और बगल देखो बताइए अगल बगल सेम ग्रुप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो पोज है या नहीं है, है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा क्वेश्चन को टिपिकल करके आवाज आ रही है ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है क्या उन्हें वॉइस क्लियर है यस स्क्रीन विजिबल है सबको ऑनलाइन वाले यस yes. क्या भाई क्यों कर रहा है परेशान चलिए डन देखो इसके तीनों प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया जब भी आप न्यूमान प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो आगे वाले कार्बन एंड पीछे वाले कार्बन के बीच और फाइनली कुत्ते के बच्चे की पीठ पर तलवार चलेगी ठीक है यहां पर अगर हम बात करें तो आपको समझ ही आ रहा होगा किस तरह से तलवार चलेगा इस तरह के क्वेश्चन में जो तलवार है वो इस तरह से पेट पर चलेगी तो जब पेट पर तलवार चलेगी तो ये पैर और ये पैर ये पैर और ये पैर इस तरह से सामने की तरफ होंगे तो तलवार ऐसे चलेगी तो ओ एच के नीचे क्या होगा ओ एच एच के नीचे क्या होगा एच तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा ठीक है इस तरह से आप जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक कर सकते हैं ओके okay, लास्ट वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर नाइन मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया पहले बताइए अगर एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा कैसा है वर्टिकल तो ये केस है हॉरी एंड वर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर नहीं आता है तो आपको ठीक है तो एक हॉरी है दूसरा कैसा है वर्टी मैंने आपको बताया कि हॉरी वर्टी में पोज नहीं आता कब तक जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए बताइए बच्चों इस साइड ग्रुप सेम है या अलग है सेम और इस साइड भी क्या है सेम तो देख लेते हैं यहां पर अगर आपने तलवार तलवार ऐसे चलाया खचाक तो रेड रेड के सामने क्या रहा है रेड़. अब इस तरह से चल रहा है ये बताओ क्या आधा रेड बाहर और आधा अंदर कट जाएगा क्या भाई तलवार यहां चला खचाक आधा बाहर आधा अंदर अब तलवार इस तरह से चल गया तो बताइए जब ऐसे तलवार चलाया पोज आया या नहीं आया आया तो इस कंडीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है है अब यहां पर मैंने एक साइड तो सेम है दूसरे साइड ग्रुप अलग किए हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं तो यहां पर आप देखिए जब तलवार आप ऐसे चलाएंगे तो नहीं आ रहा मगर ऐसे चलाया तो आधा येल्लो बाहर और आधा अंदर आधा रेड बाहर और आधा अंदर और बताइए रेड के सामने क्या आ रहा है रेड तो पोज आएगा नहीं आएगा आएगा साहब थर्ड केस जो इलेवन नंबर का केस है उसमें हमने क्या करा इधर भी ग्रुप अलग है इधर भी ग्रुप अलग है उस कंडीशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का कोशिश करा तो अब आप यहां देखिएगा तलवार ऐसे चलाया कोई मतलब नहीं है मगर ऐसे चलाया आधा बार आधा अंदर है मगर यहां बताओ क्या रेड के सामने रेड आ रहा है क्या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मान लीजिए तलवार आपने ऐसे चलाया खचाक आधा ऊपर आधा नीचे कट गया मगर यहां पर भी येल्लो के सामने येल्लो नहीं है बताइए पोज आया या नहीं आया तो इस कहानी को अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे हॉरी में पोज नहीं आता कब तक जब तक एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए लिख लो बुढ़ापा यहां तीन लाइन में हॉरिजोंटल वर्टिकल केस में पोज नहीं आता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले केस में पोज नहीं आता हॉरिजोंटल वर्टिकल वाले केस में पोज नहीं आता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले केस में पोज नहीं आता जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए लिखा ठीक है अब यह भी डायरेक्ट है यह भी डायरेक्ट है और हमारा क्वेश्चन भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ठीक है क्लियर है symmetry, क्लियर, क्लियर 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 या नॉट ठीक है तो देखो हम समझेंगे भी बहुत जबरदस्त और रटेंगे भी जबरदस्त ठीक है समझ के जो चीज समझ ली उसको याद भी जबरदस्त करेंगे ठीक है तो मैं आपको याद कराता रहूंगा क्या गैस थ्री कार्बन पर चारों सेम पोज दो सेम तीन सेम चारों अलग टी में नहीं आता कब तक जब तक एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए ठीक है चलिए एक एक और बुढ़ापे वाली लाइन लिख लो ट्वेल्थ के बाद अच्छा ये बताओ क्या आपने जीआई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या नाम सुना है जीआई का जीआई शो करने के लिए रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन बताइए लास्ट वाले टर्मिनल सेम प्लेन में है या नहीं है है जीआई शो करेगा नहीं करेगा करेगा भाई साहब जब लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा पोज आता है जब लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में होते हैं तो हमेशा पोज आता है ये लिख लो बुढ़ापे वाली लाइन लास्ट वाले टर्मिनल जब सेम प्लेन में होंगे लास्ट वाले टर्मिनल जब सेम प्लेन में होंगे ऑलवेज पोज आएगा लास्ट वाले टर्मिनल जब सेम प्लेन में होंगे ऑलवेज पोज आएगा लास्ट वाले टर्मिनल जब सेम प्लेन में होंगे ऑलवेज पोज आएगा ब्रैकेट में लिख लो जीआई वाला कंडीशन लास्ट वाले टर्मिनल जब सेम प्लेन में होंगे लास्ट वाले टर्मिनल जब सेम प्लेन में होंगे तो ऑलवेज पोज आएगा ब्रैकेट में लिख लो जीआई वाला कंडीशन चाहो तो ये फोटो भी बना लो लास्ट वाला टर्मिनल एक ही प्लेन में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ठीक है क्या कहानी क्लियर है ओके अगला लिखें सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री का बहुत बड़ा यूज है ताकि हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ पाए बट सेंटर ऑफ सिमेट्री के जिस जो दो टाइप की क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उन दो टाइप में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आता ही नहीं है कभी भी नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है कि नहीं आता है तो नहीं आता है ठीक तो है थीके? तो कैसे हो जाता है बात करते हैं पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है इसको समझते हैं किसी भी कंपाउंड में जैसे ये कोई एक कंपाउंड है किसी भी कंपाउंड में एक इमेजनरी सेंटर हो एक कैसा सेंटर हो इमेजनरी सेंटर और अगर इस इमेजनरी सेंटर पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जितने भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें उन स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप सेम होने चाहिए एक ऐसा इमेजनरी सेंटर जिस पर जितने भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें उसके हर एक एंड पर ग्रुप क्या होने चाहिए सेम मेरा कहने का मतलब यह है अगर इस एंड पर सलमान है तो यहां भी क्या होना चाहिए सलमान यह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी अगर यहां पर नन्ना पाटेगर है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए नन्ना पाटेगर यह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी अगर यहां माधुरी है तो यहां भी क्या होना चाहिए माधुरी यहां कैटरीना है तो यहां भी क्या होनी चाहिए अगर पूरे कंपाउंड में ऐसा है तो इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री ठीक है अब आपके पापी मन में एक छोटा सा ख्याल आया होगा कि सर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी ड्रॉ करने के बाद यहां पर तो सलमान है और यहां हमें सलमान मिल गया बट अगर हमने दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और यहां पर अगर विराट है और अगर यहां हमें अनुष्का मिल जाए तो क्या करेंगे भाई साहब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ठीक है किसी भी मॉलिक्यूल का एक ऐसा इमेजनरी सेंटर जिस पे हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप क्या होने चाहिए सेम इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन हो नहीं सकता है हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप क्या होने चाहिए सेम कि सर यहां आ गया यहाँ नहीं आया तो नहीं है हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप क्या होने चाहिए सेम ये तो नॉर्मल मैंने एक एग्जाम्पल जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ये मैंने फोटो बनाया इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोब्यूटेन का नाम है साइक्लोब्यूटेन बच्चों साइक्लोब्यूटेन में एक इमेजनरी सेंटर जिस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो इस एंड पर करीना है तो यहां पर भी क्या है करीना ये स्ट्रेट लाइन करें तो यहां भी करीना है तो यहां भी क्या है करीना इसी में अगर आप जो है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो यहां पर एक बॉन्ड है तो यहां भी क्या है बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड है तो यहां पर भी क्या है बॉन्ड तो हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप सेम है तो इसमें क्या प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री इसी क्वेश्चन को और टिपिकल अगर बनाया जाए तो साहब यहां पर ये फोटो आपको दे दिया और इस फोटो में यहां पर बिहार लगाया यहां पर एच लगाया यहां बिहार लगाया यहां पर एच लगाया तो चलिएगा इमेजनरी सेंटर एक ऐसा इमेजनरी सेंटर जिस पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो अब मैं कार्बन कार्बन तो नहीं देख रहा क्योंकि देख लिया है ठीक है अब मैं डायगेली देखूंगा कैसे देखूंगा डायगेली तो बच्चों यहां पर ऊपर की तरफ डायगेनली चले तो यहां बिहार है नीचे की तरफ क्या है बिहार यहां डायगेनली चले ऊपर की तरफ एच है नीचे की तरफ क्या है एच बाकी इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है तो एक ऐसा इमेजनरी सेंटर जिसमें हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप क्या होने चाहिए सेम ठीक है क्वेश्चन आता है सर यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों नहीं देखे भाई यहाँ भी दो हाइड्रोजन है यहां भी दो हाइड्रोजन है स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप क्या आएंगे सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर और टिपिकल बनाया जाए तो और टिपिकल बनाने के लिए साहब यहां पर हमने ये फोटो बनाया अब ये बताओ यहां मैंने ऊपर की तरफ सीएल यहां पर एच यहां नीचे की तरफ सीएल यहां पर एच बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है स्ट्रेट लाइन ऊपर सीएल है नीचे सीएल ऊपर एच है नीचे एच सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है तो एक ऐसा इमेजनरी सेंटर जिसमें हर एक स्ट्रेट लाइन के एंड पर ग्रुप सेम होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री छापो इसमें बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है ओके अब बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है है, okay. है, है? है, है. देखो कैसे ये इमेजनरी सेंटर ऊपर सीएल है नीचे क्या है सीएल ये एच है नीचे क्या है एच बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं होता बात नहीं करना तुम्हारा नियो अभी तक खत्म ये भाई कॉपी लेकर इधर आओ नोट कर लिया नोट कर लिया वो निपट गई मूवी वो जो देख रहे थे तुम हैं? मैसेज आ किसका मैसेज था बैठो क्लास के बाद मिलो मामला फोर का चल रहा है पता नहीं कहाँ फाइव पे लगा हुआ है ये ठीक है अभी क्लास के बाद जो है अपने मोबाइल नंबर भी लेकर आना फादर के ठीक है बात करेंगे कार्ड नंबर लिया ना मोबाइल नंबर तो मैं पता लगा लूंगा ठीक है ओके डन बच्चों इस क्वेश्चन में लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ऐसा इमेजनरी सेंटर जिसपे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा डायगोनली ऊपर सीएल नीचे क्या है सीएल ये ऊपर एच है नीचे क्या है एच और ये तो हमने इधर चेक ही किया है तो बताइए सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ सिमेट्री सिमेट्री है है या नहीं फाइनली है? है. का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा एक तो फिशर प्रोजेक्शन वाला आएगा और दूसरा हॉरीवर्टी वाला और उसमें कभी कोज आता ही नहीं है मतलब फिशर प्रोजेक्शन और टी में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता कैसे नहीं आता देखिए आप एक हॉरी एक वी है इधर इधर हवा रेड है इधर क्या है हवा तो कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा मतलब टॉपिक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ठीक है मगर क्या होता है ये तो बताना जरूरी है ठीक है तो आप यहां बुढ़ापा लिख लो फिशर प्रोजेक्शन एंड हॉरीवर्टी वाले केस में लास्ट में लिखना फिशर प्रोजेक्शन एंड हॉरीवर्टी वाले केस में सीओएस कभी नहीं आता सेंटर ऑफ सिमेट्री को प्यार से सीओएस बोलते हैं सीओएस कभी नहीं आता ठीक है सिमेट्री एलिमेंट समाप्त ठीक है कितने पेज छोड़े एक बज गया सांस लेने की जगह रहेगी कायरल सेंटर पे पहुंचे ठीक है दो पेजेस दो पेजेस छोड़ के आगे बढ़े ठीक है कायरल सेंटर एक बार मैं कायरल सेंटर के बारे में आपको फास्टली बताकर आगे बढ़ता हूं क्या क्या है नहीं नहीं ठीक है ओके देखिए बच्चों अब हम हमने एक्चुअली लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था जिसका नाम था कायरल सेंटर अपकमिंग आपके टेस्ट में जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहे कॉमन टेस्ट में आए चाहे मेजर टेस्ट में आए चाहे जो है हमारे माइनर टेस्ट में आए आपको सिमेट्री एलिमेंट नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना स्टार्ट करना है कहां से कायरल सेंटर कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है कायरल सेंटर ठीक है इससे पहले की बातें खून के अंदर होनी चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे और खून के अंदर क्या होना चाहिए पोज कैसपी थ्री कार्बन पर चारों सेम पोज आएगा तीन सेम दो सेम चारों चारों अलग चारो अलग पक्का फौरी हॉरीवटी में पोज नहीं आता कब तक जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाए कुत्ते के बच्चे याद है उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ठीक है अब हम बात करें कोस की बताइए क्या फिशर और हॉरीवटी में कोस चेक करते हैं क्या क्योंकि कभी भी कोज नहीं आता और बच्चों ऐसे कंपाउंड जिसमें ना तो पोज हो ना कोज हो वो कंपाउंड कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आया तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड कैसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव तो वहां पर जो मैं अप्रोच बताऊंगा उससे क्वेश्चन सोल्व करना मतलब अप्रोच क्या है जिसमें ना तो पोज हो ना कोज हो वो क्या कहलाएंगे अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कहानी क्लियर है ओके okay, मैंने लिखाया कारल सेंटर के बारे में ऐसा एस थ्री सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं उस सेंटर का नाम क्या है कायरल सेंटर बताइए इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है बताओ इस एसपी थ्री सेंटर पर चारों ग्रुप सेम है या अलग पोज आएगा क्या पोज आएगा नहीं आएगा पोज। पोज मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम सुना है क्या एक इमेजनरी सेंटर इधर पर्पल है इधर क्या है हवा एक इमेजनरी सेंटर इधर रेड है इधर क्या है हवा इधर येलो इधर क्या है हवा कोज आ रहा है क्या तो सिंगल काइरल सेंटर में ना तो पोज आता है ना कोज आता है वो कैसा होता है अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसा होता है ऑप्टिकली एक्टिव कहानी क्लियर है है कोई डाउट है. तो बच्चों मैंने काइरल सेंटर काउंट करना आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था और लास्ट लेक्चर में हमने शायद 10-12 क्वेश्चन काइरल सेंटर के किए थे एक ऐसा sp3 सेंटर जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग होते हैं उस सेंटर का नाम क्या है काइरल सेंटर बच्चों यहाँ पर एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कायरल सेंटर से रिलेटेड वो बात कर लेते हैं बताइए क्या इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है क्या कायरल सेंटर है है या नहीं है क्या ये एसपी थ्री कार्बन नहीं है मगर यहाँ कितने हाइड्रोजन सेम है तीन यहाँ कितने हाइड्रोजन सेम है तो यहाँ दो यहाँ तीन कायरल सेंटर अच्छा यहां पर कोई अगर आपसे पूछे बताइए कायरल सेंटर है या नहीं है सेंटर क्या ये करीना कायरल है क्या sp3 थ्री है या नहीं है है दोनों सेम या अलग ये मिथाइल और इथाइल सेम है या अलग क्या sp3 थ्री कार्बन पर चारों ग्रुप अलग है कितना कायरल सेंटर है एक यहाँ पर बच्चों आपको फोटो दे दी अगर आपसे पूछा गया आप बताइए ये कायरल सेंटर है ये है ये है कितने कायरल सेंटर बताइए चारों में से कौन कौन से ऑप्शन में कायरल सेंटर प्रेजेंट है काइरल सेंटर कहां प्रेजेंट है काइरल कार्बन कहां प्रेजेंट है बी और सी बताइए मैक्सिमम काइरल सेंटर कहां पर है मिनिमम काइरल सेंटर कहां है तीन तरह के क्वेश्चन काइरल सेंटर क्या होता है मिनिमम काइरल सेंटर मैक्सिमम काइरल सेंटर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ओके okay, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आरएस कॉन्फिगरेशन आर इज इक्वल रैक्टस आर इज इक्वल रैक्टस और एस इज इक्वल सेनेस्टर ये लिखा रैक्टस एंड सीनेस्टर अच्छा ये अगर कोई आपसे पूछे ये डायरेक्शन क्लॉक है या एंटी क्लॉक है पक्का ये क्लॉक है अच्छा ये 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 आता है सीआईपी रूल का नाम सुना है एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला अगला सही तो नगला नगला सही हुआ तो पगला अगले को ज्यादा से कम या कम से ज्यादा बताइए अगर आपको आयोडीन, ब्रोमीन में फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तो हायर प्रायोरिटी देना है तो अच्छा ऑक्सीजन और सल्फर फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन कोई चीज फालतू नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया मैंने फ्लोरीन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन कार्बन ओके तीन नाम बोलूंगा मतलब तीन एटम बोलूंगा ज्यादा से कम में अरेंज कर देना फ्लोरिन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर सल्फर ऑक्सीजन नाइट बिल्कुल सुकून के साथ कोई जल्दबाजी नहीं नो no बिजली की रफ्तार पहले एक्यूरेसी आती है देन बिजली की रफ्तार आती है ठीक है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अभी थोड़ी देर में बोलूंगा टॉपिक खत्म हो गया है जिसको समझ में आया उसका भी जिसको नहीं आया उसका भी ठीक है और बाकी सारा टॉपिक इसी से खत्म होगा आगे तो बहुत ध्यान से खेलेंगे ठीक है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर अच्छा आयोडीन प्रोमिन क्लोरीन पक्का ओके बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं आर एस की आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है चाहे वो अन्यूमर के क्वेश्चन हो डायश के क्वेश्चन हो मीजो कंपाउंड का क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे आरएस से इसके बाद जो टॉपिक है वो छोटे छोटे डेफिनेशन है जितना टाइम लगना है इस टॉपिक में लगना है उसके बाद फटाफट -पड़ खत्म होगा ठीक है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है उड़ना नहीं चाहिए मतलब आरएस कॉन्फिग्रेशन ऐसे आना चाहिए यू करा तो आंसर यू करा तो आंसर ठीक है और वैसा आ जाएगा बस प्रैक्टिस चाहिए सीआईपी रूल सीआईपी रूल का सीक्वेंस क्या है एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला ओके बच्चों आर एस कॉन्फिग्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम बात करें कोई भी जो कायरल सेंटर होता है अगर उस कायरल सेंटर पर अगर उस कायरल सेंटर पर जो है आपको क्लॉक डायरेक्शन दिखे तो आप उसे आर बोलते हैं और अगर उस कायरल सेंटर पर आपको एंटी क्लॉक डायरेक्शन दिखे तो उसे एस बोलते हैं बताइए क्लॉक दिखे तो क्या बोलेंगे आर एंटी क्लॉक दिखे इसलिए डायरेक्शन देखना सिखा है कि भैया ये बताओ ये क्लॉक है ये एंटी क्लॉक और ये हाँ ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक बोलते हैं इसको क्लॉक बोलते हैं बताओ क्लॉक है एंटी क्लॉक और ये अच्छा ये बताओ ये वाला अच्छा ये वाला पक्का मतलब ये तो आता है ये भी नहीं आता तो बार पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं कोई शर्म वाली बात नहीं है ठीक है नहीं आता इसलिए बैठे क्लास में ठीक है यहां पर हम बात करें बच्चों किसी भी कायरल सेंटर पर जब भी आप आर एस कॉन्फिग्रेशन निकालते हैं कौन सा कॉन्फिगुरेशन आर एस कॉन्फिगुरेशन तो आर एस कॉन्फिग्रेशन के लिए आपको सीआईपी रूल देना पड़ता है कौन सा रूल सीआईपी रूल और आर एस कॉन्फिग्रेशन दो तरह के प्रोजेक्शन में निकाले जाते हैं या तो आर एस कॉन्फिगुरेशन फिशर प्रोजेक्शन में निकाला जाता है या फिर आर एस कॉन्फिग्रेशन वेस्ट डैश में निकाला जाता है ठीक है अगर कंपाउंड ऐसे लिखा रहे है और आपसे पूछा जाए कि आर एस निकालो नहीं निकाल सकते आंसर गलत हो जाएगा या तो आर एस के लिए कौन सा प्रोजेक्शन फिशर या फिर वेस्ट डैश ठीक है यहां पर बच्चों अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया अब बताओ ये क्वेश्चन वेस्ट डैश के फॉर्म में है या नहीं है है? तो इसमें हम आर एस निकाल सकते हैं तो ये वाला क्वेश्चन बताओ वेस्ट डैश में है या नहीं है तो एस नहीं निकाल सकते तो पहला डाउट आर एस कॉन्फिग्रेशन कायरल सेंटर पर निकाला जाता है कहा निकाला जाता है कायरल सेंटर क्या कायरल सेंटर देखना आता है ओके जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर यह कोई कायरल सेंटर आपको दिया है अज्यूम कर लेते हैं हम तो इसमें हम क्या करते हैं इस कायरल सेंटर पर चारों ग्रुप में सीआईपी प्रायोरिटीज देते हैं कौन सा प्रायोरिटी सीआईपी प्रायोरिटी और सीआईपी प्रायोरिटी में किसी को हम सीआईपी प्रायोरिटी के आधार पर नंबर वन बोल देते हैं फिर इसको टू बोल देते हैं किसी को थ्री बोल देते हैं किसी को फोर बोल देते हैं सही लिखा है गलत लिखा है ठीक है किसी को वन किसी को टू किसी को थ्री किसी को फोर कैसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर अगला आता है या नहीं आता है समझी सीआईपी का पूरा रिवीजन यहां पर चलेगा ठीक है यहां पर जब आप सीआईपी प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हो सकता है सीआईपी प्रायोरटी देते हुए इसको वन मिल जाए इसको टू मिल जाए इसको थ्री मिल जाए और इसको फोर मिल जाए ठीक है हो सकता है जब आप यहां पर सीआईपी प्रायरिटी दे रहे हैं कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसमें इसको वन मिल जाए इसको टू मिल जाए इसको फोर मिल जाए और इसको थ्री मिल जाए पॉसिबल नॉट पॉसिबल ग्रुप लगे होंगे उस पे जो है हमें प्रायोरिटीज देना होगा हो सकता है बच्चों जब आप सीआईपी प्रायोरिटीज दे रहे हो तो सीआईपी प्रायोरिटीज देते हुए जो है हो सकता है आप इसको वन दे दें इसको टू दे दें इसको थ्री दे दें और इसको क्या दे दें फोर दे दें ग्रुप दे. लगे होंगे अलग अलग और उससे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो पहले बताओ आर एस कॉन्फिग्रेशन कहां पर निकाला जाएगा कायरल सेंटर और वो भी कौन से प्रोजेक्शन या तो फिशर या फिर डैश ठीक है बच्चों जब भी हम सी आई पी प्रायोरिटी देने के बाद यहां पर आर एस कॉन्फिग्रेशन निकालते हैं तो साहब हमें प्रायोरिटीज को देखना होता है किसे देखना होता है प्रायोरिटीज को हमें प्रायोरिटीज में ऑलवेज ये ध्यान रखना है जब भी आप प्रायोरिटीज देख रहे हैं आपको वन वाली से डायरेक्ट किसे देखना टू वाली वन वाली से किसे देखना टू वाली को और साहब टू वाली से किसे देखना थ्री वाली को जब आप वन वाली से टू वाली को देख रहे हैं टू वाली से थ्री वाली को देख रहे हैं और देखते ही देखते यदि आपकी आंखों का एस अगर आंखों का ठुमका क्लॉक लगा तो क्या बोलेंगे आर और एंटी क्लॉक लगा, तो लगा, तो लगा तो एस मगर को आपको देखना है वन वाली से टू वाली टू वाली से थ्री वाली ठीक है और यहां पर आगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कौन है आर एस मतलब ऑप्टिकल के हर मर्ज की दवा कौन है आर एस हर दर्द की दवा कौन है आर एस साहब यहां पर कभी कभी ऐसा होगा जब आप वन वाली से टू वाली को देख रहे हैं तो भाई साहब बीच में फोर वाली आ जाएगी कौन आ जाएगी फोर वाली बोलेगी मत देखो मगर एक ही बात ध्यान रखना अवॉइड और नेग्लेक्ट आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए वन वाली से क्या देखना टू वाली और टू वाली से क्या देखना थ्री वाली बीच में फोर वाली आ जाए तो क्या करना है अवॉइड और नेगलेट। और देखते ही देखते ही क्लॉक लगा तो आर एंटी क्लॉक लगा तो एस सब यहां पर कभी कभी ऐसा होगा जब वन वाली से टू वाली को देख रहे हैं और टू वाली से जब वापस फोर वाली को देख रहे हैं फिर से बीच में कौन आ जाएगी फोर वाली अवॉइड नेगलेक्ट बोलना मैं तो देखूंगा वन वाली से किसे देखूंगा टू वाली को टू वाली से किसे देखूंगा थ्री वाली को ठीक है चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन चालू नहीं करा मैंने अभी तो जो है जो आपके डाउट आ रहे हैं उसी के ऊपर काम कर रहे हैं पहले बताओ क्या ये फिशर प्रोजेक्शन है यस चलिए वन वाली से थ्री वाली वन वाली से टू वाली टू वाली से थ्री वाली देखते ही देखते आंखों का ठुमका कैसा लगा क्लॉक क्लॉक को क्या बोलेंगे आर नहीं आया यहां पर चलिए वन वाली से फोर वन वाली से टू वाली टू वाली से थ्री वाली देखते ही देखते ठुमका कैसा एंटी क्लॉक क्या बोलेंगे एस नहीं आया साहब यहां पर जो है एक रास्ता है वन वाली से टू वाली मगर ऐसे नहीं कि यहाँ से पकड़ के सीधे चले जाओ ठीक है रास्ते दो ही हैं या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक बच्चों जब यहां से गए वन वाली से टू वाली बीच में कौन आ गई क्या करें अवॉइड और नेगलेक्ट एक पापी ने मुझसे पूछा कि सर अगर मैं इधर से जाऊं तो बीच में कौन आ रही है थ्री वाली क्या अवॉइड नेगलेक्ट नहीं क्योंकि टू वाली के बाद आपको क्या देखना है थ्री वाली सीक्वेंस में देखोगे ना ठीक है ओके तो बताइए तो बीच में कौन आई फोर वाली क्या करना है अवॉइड और नेगलेक्ट ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक को क्या बोलते हैं एस कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है Chopo लास्ट क्लास को मैंने जल्दी छोड़ दिया था ना एक दिन आपको खाना खत्म हो जाएगा कितने बजे खत्म होता है आठ बजे हो गया अब तो मिलेगा भी नहीं चलो कितने साढ़े आठ पहुंच ही नहीं पाओगे सीढ़ियां उतरने में साढ़े आठ चलो छाप लो अगला लेक्चर आर एस से रिलेटेड रहेगा अभी आरएस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं पूछना है इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बाहर आके पूछ लें आप लोग थैंक यू सो मच